नमस्कार बच्चों, आज हम व्यंजन ठ की कहानी के साथ आए हैं। आज हम सुनेंगे व्यंजन ठ की कहानी। ये हमारी अक्षर परिचय बुक के पेज नंबर 23 और 24 पर दी गई है। देखो, इसमें ठ से संबंधित कितने शब्द हैं। तो आओ सुनते हैं ये कहानी। सबसे पहले जानेंगे ये कौन है। ये है ठ ठठेरा। ठठेरा वो होता है जो बर्तन बनाता है। ये देखो, इसके पास ये सारे बर्तन जो पड़े हैं, जितने भी बर्तन पड़े हैं सब इसने अपने हाथों से बनाए हैं। ये देखो, अब ये एक नया बर्तन बना रहा है। इसने अपने पास आसपास बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, पर हुआ ये कि ये एक ठग है। ठग का मतलब चोर। ये चुपके से यहां से आया और अपने ठेले में ठठेरे के बनाए हुए सारे बर्तन भर के लेके जाने लगा। देखो कितना चालाक है वो। ठठेरे का मुंह इस तरफ है तो वो पीछे से सारे बर्तन उठा के लेकर जा रहा है। चलो आओ एक बार ठीक से सुनते हैं ये कहानी। ठठेरा बर्तन बना रहा था और उसके आसपास बहुत से बने हुए बर्तन पड़े थे। ये जो ठग है ये अपना ठेला लेके धीमे धीमे उसके पीछे से आया और जितने भी बर्तन बने हुए पड़े थे धीरे धीरे उनको अपने ठेले में भरने लगा और वो ठेला बर्तनों से ठसा ठस भर गया। कैसे भर गया? ठसा ठस मतलब पूरी तरह से भर गया। और जैसे ही ठेला ठग लेकर जाने लगा था तो उस ठेले में से ठप्पा नीचे गिर गया। क्या नीचे गिर गया? ठप्पा। ठप्पा होता है स्टैम्प। ये देखो, यहाँ पे देखो कौन कौन से शब्द देखे हमने। ठ ठठेरा, ठ ठेला, ठ ठग, ठ ठप्पा। और ये बर्तन कैसे भरे हुए थे ठेले में? ठसा ठस। तो हमने कितने सारे नए शब्द सीखे ठ से शुरू होने वाले। तो बच्चों, जैसे हम हमेशा की तरह सारी कहानियां दोहराते हैं, आपको ये कहानी भी घर पे अपने मम्मी पापा के सामने दोहरानी है और ध्यान से सारे शब्दों को पहचानना है चित्रों के साथ। ठीक है? तो वादा करो आप घर पे ये जरूर करोगे। अपने आसपास जितने भी आपको ठ से संबंधित शब्द दिखते हैं उन्हें भी ढूंढोगे। ओके, अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।